अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम जिला कर्ज निवारण समिति की बैठक में हुआ हंगामा। राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने शिकायतकर्ता को दिए बैठक से बाहर निकलने के आदेश। शिकायत सुनते ही भड़क गए मंत्री जी और शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो करूंगा आत्महत्या। राज्य मंत्री करणदेव कंबोज से जब इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छे प्रकार से नहीं था। व्यक्ति भरी मीटिंग में अपना संतुलन खो रहा था। किसी भी अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, लेडीज अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उन्हें बाहर निकालने के आदेश दिए गए। मीटिंग के अंदर से उन्होंने कहा कि मीटिंग को खराब करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो वे अपनी बात मर्यादा में रखें ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। इसलिए शिकायतकर्ताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, इसलिए उसे मीटिंग से बाहर निकालने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि पिहोवा निवासी प्रवीण कुमार ने अपनी खेती की जमीन बारे में कष्ट निवारण समिति में अपना मुद्दा रखा था। राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि पिछली बार के मुकाबले अब की बार 82 लाख मीट्रिक टन अनाज आया है, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर सारा अनाज गोदामों में पहुंचाएगा और प्रदेश में सभी जगह मंडियों में अच्छी व्यवस्था है। आज किसानों का एक एक दाना खरीदा जा रहा है और ट्रेंडिंग का जमकर किसान फायदा उठा रहे हैं। आज अपने कुरुक्षेत्र की मीटिंग थी और इसमें ज़्यादातर जो आज मामले आए हैं वो आए हैं बिजली से संबंधित, और बिजली से संबंधित भी थे, कुछ लैंड के भी मामले थे और कुछ मामले जो पिछली हमारी मीटिंग में ग्रीवेंसीज के सामने पहले भी आए हैं, कुछ ऐसे मामले भी थे जिनमें भी जो रिपोर्ट्स आनी रह रही है। तो कुल मिलाकर के आज 16 समस्याएं जो है ना ग्रीवेंसीज के सामने रखी गई है और कुछ में तो सोल्यूशन निकाल लिया गया है, कुछ अभी पेंडिंग रखी है, उनकी अभी जो है रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। तो अगली मीटिंग में हमने उनका हिदायत दिया कि अगली मीटिंग में जो है ना वो सब उसकी रिपोर्ट लेकर के आएंगे और कुछ की हमने दोबारा कमेटी बना करके ताकि जो है ना उनका समाधान निकाला जा सके। तो इस प्रकार का आज निर्देश दिए। क्या मामला? देखिए, उसने जिस प्रकार का व्यवहार, जो एक अच्छे नागरिक से ऐसा व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, और इस प्रकार से अपना संतुलन खो देना और किसी अधिकारी के बारे में इस प्रकार के अभद्र भाषा बोलना और वो भी एक लेडीज अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, तो वो एक इतने मतलब शोभा नहीं देता। तो इसलिए जो है ना उसको बाहर मैंने कहना पड़ा, इसको बाहर निकालो, और उसको बाहर निकालना भी गया। कोई भी मीटिंग का वातावरण खराब करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, और इस प्रकार की भाषा किसी के प्रयोग, चाहे किसी को किसी से कोई शिकायत भी है, लेकिन वो मर्यादा में रह करके अपनी बात रखे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जब व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है, वही मैंने किया है और उसको बाहर हमने निकालने का जो है उसको बाहर निकलवाया है। नहीं, कोई वो मामला दूसरा था, वो एक चोरी से संबंधित मामला था जिसने ये कहा था कि मेरा नाम जो है ना वो गलत तरीके से इसमें शामिल किया गया और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको संतुष्ट किया है उससे पूछ करके कि वो कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से चाहता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हमने वो रेंज से बाहर के किसी अधिकारी से करवाने का, और उससे वो सेटिस्फाई हुआ। नहीं, वो अभी अपना एक मेमोरेंडम दे के गए हैं, उस पर विचार करेंगे, जो जो उनकी तकलीफें हैं, जो जो उनकी डिमांड्स हैं, उस पर विचार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और जो भी बेस्ट होगा उनके लिए। मंडियों में देखिए, पिछले बार जो हमारे पास पूरे हरियाणा के अंदर 74 लाख मीट्रिक टन जो है वो अनाज आया था, और अब की बार जो है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ करके और ये लगभग 82 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारे पास पहुंच गया है, और हमारी जो लिफ्टिंग भी है वो लगभग 85-87% के करीब पहुंच गई है। एक सप्ताह के अंदर हम सारा अनाज जो है अपना कवर्ड और जो हमारी ओपन प्लेन था उसमें पहुंचा करके सारा उसको जो है ना सेफ जगह पहुंचा देंगे। और आमतौर पर जो है ना अब हरियाणा में किसी भी किसान का गेहूं पेंडिंग नहीं है। आज हरियाणा में जो अच्छी व्यवस्था है मंडियों की, इस वजह से जो पड़ोसी स्टेट्स हैं
उनके लोग जो है ना ट्रेडिंग करके और वो मंडियों में यहाँ का फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने मंडियों में हमने कहा कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, ट्रेडर का नहीं खरीदेंगे, और ट्रेडर को रोकने के लिए हमने कई प्रकार की व्यवस्था भी की है, जो हरियाणा के अंदर जो है हमने जो टारगेट रखा था उस टारगेट को भी हमने पार कर दिया। जो हमारा नहीं, वो हड़ताल पे बैठो, किसी चीज पे बैठो, हम ट्रेडिंग नहीं करने देंगे किसी, हमने स्पष्ट कहा सरकार ने कि ट्रेडिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है, ट्रेडिंग करके किसानों से सस्ते भाव में लेकर के और वो लोग मुनाफा कमाए, तो इस प्रकार का सरकार कोई भी किसी को इजाजत नहीं देगी। नहीं, वो सभी डिपार्टमेंट खरीदेंगे, जब कोई ट्रेडिंग करेगा तो कैसे खरीदेगी सरकार, ट्रेडिंग नहीं की किसी को इजाजत नहीं। किसान की कोई एक किसान भी आकर के बताए मेरी गेहूं है, मैं उसके जो है ना परचेज करवाता हूँ।